भाई आप देख रहे हो इसको गियोन मात्सुरी कहते हैं और ये 3 साल में अब हुई है बहुत सालों बाद। तो यहाँ आप देख सकते हो कैसे लोग यहाँ पर क्या मना रहे हैं। लौंडिया देखो भाई बढ़िया बढ़िया यहाँ पर कहते हैं हम पसीने की जो बदबू है वो भी निकाल देंगे 100 यन ज़्यादा में। अब ये तो फिर ड्राई क्लीन ले क्यों रहे थे जब तुम्हें 100 यन और पसीने निकालने के लिए पैसे चाहिए थे। यह पुष्पी नारी का स्टेशन अनफॉर्चुनेटली यार ये इनका नहीं है। अरे तो सो आप देख सकते हो ये रेंट के अपार्टमेंट है यहाँ पर और ये आंटी जी की कोई सिगरेट की दुकान है। ओ भाई ये देखो जापान में टुक टुक है यार, ये इनका अपना होगा, अपना होगा, ऐसे टैक्सी वैक्सी का नहीं होगा अपना है। ये देखो 2 यन में ये फ़ोन मिल रहा है गैलेक्सी 820। और अभी धो रहा है बर्तन, मैंने काट दिए देखो प्याज क्या बढ़िया काटे हैं छोटे छोटे। और ये सो नमस्कार कोनिच्वा, कैसे हो मेरे भाई सब आप लोगों। तो भाई बहुत दिनों बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रहा था, छुट्टी मना रहा था, बहुत छुट्टियाँ थी मेरे पास। और अब मैंने दोबारा एक ऑफिस चेंज कर लिया तो उसमें भी ऑफिस वाले ने बोला है मेरे को यूट्यूब खोलने के लिए। तो अब जापनीज़ चैनल भी एक यूट्यूब आने वाला है, बट वो मेरा चैनल नहीं होगा, वो बनाऊँगा तो मैं, बट वो बनाऊँगा मैं ऑफिस के लिए, अपने एक ग्रुप है इरोहा उस ग्रुप के लिए बनाऊँगा, जापनीज़ कंपनी बहुत बड़ी तो उसमें। और अभी हम जा रहे हैं गियोन मात्सुरी, बट उससे पहले एक लड़का है अंकित, पहले मैंने उसकी वीडियोस बना दी है, बहुत सारी वीडियो ऐसे बना चुका हूँ बट मैंने डाली नहीं है। तो उसके लिए हम अभी जा रहे हैं आईफोन 13 देखने, उसको 13 प्रो लेना है मैक्स, तो वो देखने जा रहे हैं बिग कैमरा। तो पहले वो देखेंगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कंटेंट ज़्यादा मिल जाए। बट अब मैं जाऊँगा साइकिल से, मेरी साइकिल ठीक होकर आ चुकी है। और बताइए ना इस पर पता है क्या हुआ था मेरे भाई, ये मेरी फेल्ट की साइकिल है जो मैंने बहुत महंगी खरीदी थी, इसका जो गियर होता है ना, गियर वाला जो पीछे का पार्ट होता है जो गियर बॉक्स होता है, वो कंपनी का फॉल्ट था। वो कंपनी ने ना किसी और साइकिल का लगा के दे रखा था, वो गियर से मैच नहीं हो रहा था। तो जब जब गियर चेंज करते थे ना तो वो ढंग से स्विच नहीं हो पाता था और वो अड़ंगी दे के, अड़ंगी कह रहा हूँ, वो मतलब अटक के मतलब हो जाता था, तो इसलिए वो मुड़ गया था। तो मगर फिर मैंने उनको बताया सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे हुई, फिर उन्होंने देखा वो गियर बॉक्स, उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन किया कि आपने गियर बॉक्स चेंज तो नहीं करा बाहर। तो मैंने भाई मैंने कहाँ से चेंज करा, मैं तो अभी साइकिल ली थी 3 महीने बाद ख़राब हो गई। उन्होंने फ्री में ठीक करके दिया मेरे को, वरना मेरे को 20 से 25 हज़ार का एस्टिमेट दे रखा था उन्होंने, सोचो भाई। और अभी यार फिर मेरे को अभी याद आया साइकिल से कि मैंने अपना ड्राई क्लीन में एक सूट दे रखा है ऊपर ऊपर का ब्लेज़र, तो मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ पर कैसे ड्राई क्लीन स्टोर होते हैं। वैसे तो बेकार होते हैं, हमारे इंडिया में तो बिल्कुल साफ़ करके देते हैं, जापान में ड्राई क्लीन स्टोर इतने साफ़ नहीं करके देते, पहली बता रहा हूँ। और उल्टा पता है 100 यन ज़्यादा मांगा मेरे से, कहते हैं हम पसीने की जो बदबू है वो भी निकाल देंगे 100 यन ज़्यादा में। अब ये तो फिर ड्राई क्लीन ले क्यों रहे थे जब तुम्हें 100 यन और पसीने निकालने के लिए पैसे चाहिए थे। क्या यार ये रहा, ये रहा, ये देखो क्लीनिंग लिखा है और इसमें एक मोटी सी थी, पूछते हैं ये है, ये मोटी थी इससे मैंने, यहाँ पे पता है क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अगर फ्रेंड को, ये फ्रेंड को अगर ऐड करोगे लाइन में तो आपका हाफ हो जाएगा। अरे तो जैमास तो भाई ये मोटी, ये रहा मेरा सूट आ गया, नया बन के आ गया होगा पता नहीं, यहाँ तो साले वैसे ही गंदा गंदा सा रहा। और ये देखो भाई ये है स्किया का है, योश ना का पता नहीं क्या लिखा है, यहाँ पे भी सस्ता खाना मिलता है। तो भाई अब चलो, वीडियो लंबी हो जाएगी यार फालतू में, तो इसके बाद चलते हैं बिग कैमरा, उसके बाद चलते हैं गियोन मात्सुरी। गियोन मात्सुरी 3 साल में इस बार लग रही है तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है इस बार की गियोन मात्सुरी। और पता है भाई कोरोना वायरस बहुत बढ़ गया दोबारा, इतना तो नहीं बढ़ा बट बढ़ गया दोबारा, बट अब नॉर्मल लोग कुछ ज़्यादा वो कर भी नहीं रहे, टेंशन ले भी नहीं रहे। जैसे स्कूल में जो ये अंकित है, इसके स्कूल में 2 बच्चों को हुआ, उनको बच्चों को घर भेज दिया और बोला आप ऑनलाइन लो बस, बाकी सब आ रहे हैं। तो भाई अब अपन है साइकिल में और आपको लग रहा होगा ये क्यों ऐसे लेट लेट जा रहे हैं, तो वहाँ पे फाटक है और फाटक के वहाँ पे है पुष्मी इनारी। तो भाई यहाँ पे पुष्मी इनारी है और स्टेशन भी है पुष्मी का, तो अभी चलते हैं। ओह माय गॉड, और ये है हमारा 7-Eleven जो 24 घंटे खुलता है,
और कोरोना के बाद से पता है कुछ कुछ 7-Eleven 12 बजे बंद हो जाते हैं, कुछ कुछ क्या बहुत सारे पता है, पहले तो 24 घंटे खुलते थे। कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं भाई सारे के सारे। देखो भाई भांडिया भी मस्त मस्त है वहाँ। फुशमी, यह है फुशमी नारी, आप देख सकते हो यह है फुशमी नारी का स्टेशन। अनफॉर्चुनेटली यार ये इनका जो गेट है ना, ये देखो ये बन रहा है। ओ माय गॉश अभी ठग गए थे भाई, ये साला टैक्सी वाला जामा आया। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे सारी शोटिंग आई है यहाँ पर। भाई मैं एक साइकिल इतनी तेज चला रहा हूँ एक हाथ से, कोई आ गया तो ठोक ना जाए। तो चलो बंद करते हैं। देखो यही ब्यूटी है जापान की। देखो शिंकानसेन अभी रुक गई है, देखो शायद उसको रेड सिग्नल मिला होगा तो वो रुक गई है, देख सकते हो आप। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये अपनी शिंकानसेन रुक गई है भाई। सो आप देख सकते हो ये रेंट के अपार्टमेंट है यहाँ पर, और ये आंटी जी की कोई सिगरेट की दुकान है। और ये अपनी देखो नीचे से वो ट्रेन जा रही है नॉर्मल, ऊपर से शिंकानसेन रुकी हुई है। तो हम नहीं रुकते हैं क्योंकि ज़िंदगी चलती रहती है, तो हमें चलना है बिग कैमरा, उसके बाद हमें जाने, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है। आप मौसम देख सकते हो कितना मस्त हो रखा है, बियर पीने वाला मौसम हो रखा है। और वो रहा सामने क्योटो स्टेशन, वो देखो एक हो अच्छा एक और शिंकानसेन रुकी हुई है, इस वजह से वो रुकी हुई है। वैसे शिंकानसेन में अगर एक एक सेकंड का भी लेट हो जाता है ना तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। जब असली में कोई दिक्कत होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो अब वो नेचर फॉल्ट है ना। अगर खुद से दिक्कत होती तब माफ़ी मांगनी पड़ती है, कुछ हर जाना भी भरना पड़ता है भाई अगर खुद से गलती हो गई तो। और ये देखो नीचे ये अपनी ये भी सिगरेट विगरेट सर आपकी दुकान है, और यहाँ हमें जाना है। ये देखो अपार्टमेंट कैसे हैं, और वो डाइवर रॉयनेट होटल स्टे भी खुल गया, देख रहे हो राकतेन ने अपना ये राकतेन क्या होटल टाइप है, बहुत बढ़िया है यार राकतेन भी। पता है राकतेन मेरी मेरे को ना वैसे नौकरी मिल गई थी राकतेन में, बट उसमें मेरे को कस्टमर डीलिंग थी, क्या बोलते हैं मोबाइल सेंटर में, उसमें पैसे भी ठीक ठाक ही मिल रहे थे, इतने बुरे भी नहीं थे। और उसमें ये था कि अगर जैसे ज़्यादा रुक जाओ तो पैसे भी मिलते काफ़ी, मतलब बढ़ जाते। बट मैंने यार फिर चूज़ नहीं किया क्योंकि अपना तो उससे रिलेटेड है ना ट्रैवल से। तो ये देख सकते हो सामने शिंकानसेन है रुकी हुई, और क्योटो स्टेशन है सामने, और ये अपना होटल है भाई। ये शिंकानसेन भी आधी रुकी हुई है, आप देख रहे हो आधी बाहर है, आधी आधी है बस, ये भी रुकी हुई है, यानी कि कुछ हो गया है पंगा, मतलब कुछ है दिक्कत सी यहाँ पे। तो हॉर्न और टुक टुक वो देखो जापान में टुक टुक, ओ भाई ये देखो जापान में टुक टुक है यार, ये इनका अपना होगा, अपना वैसे टैक्सी वैक्सी का नहीं होगा अपना है भाई साहब। यार जापानी लोग भी क्या ऐश करते ना भाई। ये देखो कुछ दिक्कत तो हो गई है, शिन ओसाका, ओसाका जा रही है नोजोमी। सो भाई ये क्योटो स्टेशन है, ये देख रहे हो कितना बड़ा है। और ये ऊपर शिंकानसेन आप देख सकते हो पीछे मेरे, ये ऊपर देख रहे हो ये रुकी हुई है, और ये इस तरफ जा रही है ओसाका की तरफ, और इस पर कुछ दिक्कत असर, और ये टोक्यो जा रही है भाई, टोक्यो जा रही है, इस तरफ ही जाएगी, बट यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई है अभी। अब क्या दिक्कत हो गई ये पता नहीं है, बट हो गई है क्योंकि शिंकानसेन रुकी हुई है सारी की सारी। तो अब हम चलते हैं, और वो देखो कि हाँ होटल वगैरह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और अपनी साइकिल है, चलो अब चलते हैं। सो भाई आप देख सकते हो ये है डॉर्मेन होटल, हेरा डॉर्मेन, इसके अंदर ऑनसेन भी होता है, काफ़ी अच्छा होटल है, यूज़ कर सकते हो आप। ये रहा क्योटो टावर, और अपन की तो ग्रीन लाइट हो गई, अपन क्यों रुके थे, अपन भी तो उल्लू है। ओ भाई आप देख सकते हो यहाँ पर टैक्सी की लाइन है, ऐसे है ये रहा। तो मेरे को भी रुकना पड़ेगा, ये क्योटो टावर है, यहीं पर योदोबाशी कैमरा है, और बिग कैमरा सामने आगे जाना है हमें, और है सामने बिग योदोबाशी। यहाँ लोगों के बीच से निकालने में दिक्कत होती है बहुत। यहाँ पे लोगों के बीच से निकालने में दिक्कत होती है, और यहाँ पे आप पेड़ देख सकते हो क्योटो टावर, यहाँ पे होटल ही होटल है, ये क्योटो होके क्लब ऐसे, ये माचमुतो रोकान, रोकान भी है भाई यहाँ पे।
ये देख सकते हो। ये क्या कर रहे हैं पागल लोग, खाली बैठ रहे हैं तो खाली डाल। तो भाई पीछे तो हमने लगा दिया पार्किंग में, वो दिखाना भूल गया मैं आपको चुरी, वो जो पार्किंग होती है कैसी कि पागल, पता है योदोबाशी को बिग कैमरे में समझ के वहाँ चला गया योदोबाशी में। अभी तक वो वही समझता था कि योदोबाशी बिग कैमरा है, वहाँ से आ रहा है पैदल। तो ये आ गया भाई अपना लौंडा। हेलो भैया। और भाई क्या हाल है तेरे? बढ़िया, आप बताइए। तो भाई ये रहा बिग कैमरा, बिग कैमरा, और यहीं से लेते हैं भाई। हम यहाँ आ रखे हैं ओप्पो, इसको आईफोन 13 लेना है लौंडे को हमारे, 13 प्रो मैक्स। और ये ओप्पो, ये जो मैंने अपनी माँ के लिए लिया था एक रुपये का। हाँ एक एन का। अब तो 3000 वो भी तोड़ दिया उन्होंने। तोड़ दिया एक एन का ही अपने घर में मोबाइल और दिया। और एक आईफोन ले लेंगे अभी। देखो उसका लड़की से आज तेरा करवा दूँगा, सेटिंग भी करा दूंगा। नहीं सेटिंग नहीं चाहिए फ़ोन की बात, सेटिंग तो बहुत है भाई पे सेटिंग है, कोई नहीं है। ये देखो 2N में ये फ़ोन मिल रहा है, Galaxy A20 में 2N वही है। अच्छा इसमें सारे हैं देख, इसमें UQ है, पे है। तो भाई आप देख सकते हो ये आईफोन 13 प्रो मैक्स, ये रहा प्रो मैक्स। ये कितने का है, कहाँ पे लिखा है? आईफोन 13 प्रो मैक्स है यार ये तो। हाँ प्रो मैक्स ही, 156 में मिलेगा भैया। इन्होंने 2 लाख के पुता रखा है भैया, 175। तो ये 80,000 क्या है? इट्स डेमो प्रोग्राम। अच्छा इसमें और इसको कितना फर्क है? 15 छोटा सा लग रहा है वही तो भैया, पर 15-16 हज़ार का फर्क है दोनों में बस। ये देखो भैया 156 iPhone 13 Pro Max 128 GB, उसने 22,000 घटाकर 134,995 इतना कर दिया था। पर बोला ये सिम ले लेना 1 महीने के लिए, बाद उसके बाद UQ में चेंज करवा देना, कोई रुपया नहीं लगेगा। यहाँ गए वहाँ तो हमें कुछ मिला नहीं सामान, मतलब मिला मगर महंगा था, और इस पर लोन पे भी नहीं हो रहा था। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, और ये हमारी साइकिल आ गई यहाँ पर भी आया था मैं। नहीं नहीं यहाँ अभी ये साले प्रोफेशनल हैं, ये ऐसी देते हैं। तो मैंने इन्हें बोला मैं टोक्यो जाना है 25 किलो का, कह रहा भैया आप वाइज रोड वगैरह चले जाओ वहीं मिलेगा आपको। तो भाई अभी हम यहाँ आ गए हैं AU में, या बता यू की साल से मिलने हैं, बट वो है नहीं तो यहाँ पर। अब तू तब तक अपना नंबर वंबर सब लिख ले यहाँ पे। देखो टच ये रहा पैड, यहाँ पे नहीं था ना वही लिख लेगा भैया नंबर। तो भाई अब ये रहा हमारा साइकिल का पार्किंग टिकट, वही रिश्ता आई तो ये यहाँ पर 200 yen साला 200 के अंदर आ गया तो जैम। और भाई यहाँ पे ये साइकिल ऐसे खड़ी होती है देख रहे हो, 200 yen लगे खाली फालतू में इतने खड़ी कर रहे हो। बताओ साइकिल खड़ी करने का 200 yen ले रहे हैं, बताओ हद हो गई। देखो ये साइकिल खड़ी करने का, और बेसिकली यार उसको आईफोन महंगा हो गया, जापान में आईफोन की रेट बढ़ गया है मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा। सो भाई आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा हम साइकिल में ले आते हैं, अब अपना भाई साइकिल ले भी जा सकते हैं या ले जा पाएंगे? पैदल और देखो लोग वो करके किमोनो पहन के जा रहे हैं पैदल चल के। हाँ तो खिसकानी पड़ेगी पैदल। हाँ पैदल पैदल चलना पड़ेगा, ये नहीं है क्या साइकिल पे चलो और दुनिया पैदल तो चल रही है। ये देखो ये साइकिल इसने 30,000 की खरीदी और 3,000 का इंश्योरेंस 3 साल का। और पहले साल अगर चोरी हुई तो कितने मिलेंगे? 80%। दूसरे साल मिलेंगे तो 60, तीसरे साल 40। तो 4 साल के ऊपर इंश्योरेंस नहीं है क्या? पुलिस खड़ी 20% का भैया 20%। भाई देखो ये क्या है, क्या दे रहे? ओ मात्सुरी भाई, उधर पुलिस वाले ने देख लिया था बट उसने मुंह उधर कर लिया, बोला यार ओ मात्सुरी है नोमी माशो बैठ रहे नहीं ना। ये तो नशे में लग रहे हैं सारे भाई, यहीं पीने क्या हम? भाई आप देख रहे हो इसको गियोन मात्सुरी कहते हैं, और ये 3 साल में अब ये बहुत सालों बाद। तो यहाँ आप देख सकते हो कैसे लोग यहाँ पर क्या मना रहे हैं, लौंडिया देखो भाई बढ़िया बढ़िया यहाँ पर आपको दिख भी जाएंगी। भाई इस तरफ है लेफ्ट में कहीं पर, लेफ्ट में है कहीं पर आ जाए।
भाई देख रहे हो, ये देखो क्या लौंडा लेके घूम रही है। सब लोग किमोनो पहन के आ रहे थे, किमोनो का यूता का पता थोड़ना था। ये देखो भाई, वो देखो भाई स्कूल की लड़की देख रहे हो, स्कूल की लौंडिया से लग रही भाई। ये एप्पल में आ गए हम, खुला हुआ है ना, खुला ही है। सो भाई ये है, अभी इसका हम मोबाइल देख के आए, मोबाइल तो मिला नहीं, बट हमें एक चीज़ पता लग गई कि हम इसका मोबाइल अच्छे से खरीद सकते हैं। आप लोग ही बता दूँ, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो जैसे ये है और मोबाइल नहीं खरीद पा रहे हो, तो आप पेडी करके आता है, उसको डाउनलोड करके आप अपना माई नंबर कार्ड उसमें लगा लो नंबर, और उसके ज़रिए आप मोबाइल ले सकते हो बुंकत्स हर महीने। तो ये बेस्ट चीज़ है, वरना मैं तेरे को जुगाड़ तो कर ही दूँगा। तो पहले बस माई नंबर मंगवा अप्लाई तो कर रखा है, चला भी गया वो, उन्होंने कही अब जब पोस्ट आएगा ना तो उधर जाना है ऑफिस में लेकर, तो वही करते हैं। और ये देखो बढ़िया भाई, यहाँ पे 100 लॉस है ना, 100 येन है, 100 येन लॉन्डी के यार, ये यहाँ पे लिखे क्या बताएं सामने। भाई जापान में आना, ये सारी बुकें पढ़ सकते हो आप फ्री में। क्या बुकें पढ़वा रहे हैं आप, और क्या कोई, तो वही तो फ्री में तो हुआ ना मेरे लिए, तो बढ़िया लग रही है भाई। बेस्ट पार्ट बताऊँ तुझे यहाँ का, जब ये होती है ओमात्सुरी या फिर जैसे हनाबी हो गई, यहाँ पर तू ना नामपा कर सकता है। लोग भी हंस रहे होंगे भाई, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि जैसे कि जैसे यहाँ पे लड़कियाँ हैं, हम भी जैसे खड़े हैं तो हम लड़कियों से पूछ सकते हैं चल भाई पिए की साथ में, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत बढ़ गए हैं यहाँ पे जापान में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग घूम रहे हैं, और कई लोग ऐसे नाम पर कर भी रहे, तो हम लोग भी ऐसे नाम पर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों में ना आए कर। और ये तो वैसी नाम पर में सबसे नंबर वन है, लोग सुन भी रहे हैं। मैंने कब कर लिया नाम पर, जब मुझे नाम किया जा रहा है, मैं सुना ही फर्स्ट टाइम है नाम का। हाँ वो लड़की पता नहीं क्यों देख रही थी, उसकी थोड़ना बना रहे हैं हम, तो अपनी बना रहे हैं वो प्रो, हाथ में तो दुनिया देखेगी सही। भाई आप देख सकते हो ये है ग्योन का, अच्छा वो रहे वो कर रहे मेन वही है। तो भैया 2 मिनट वीडियो बना ले, तो बना ले मैं भी एक वो बना लेता हूँ। भाई आप देख सकते हो यहाँ पर बेसिकली यही चीज़ है कि मेन जो स्ट्रीट है इनकी यही है। सो भाई एट लास्ट अब थोड़ा लेट हो गए हैं, मगर यहाँ पर मेन चीज़ यही है। अब ये स्टॉल बंद कर रहे हैं, बट आपको दिखाना बनता है कि यहाँ पर स्टॉल कैसे लगती हैं, जैसे हम मेले में कहते हैं। देखो भाई ये क्या आई है, ये वो बुढ़िया के बाल, बुढ़िया के बाल, बुढ़िया के बाल। मैंने कही जगह खीरे बड़े पसंद है इधर, ये क्या बना दिया याद की शोरोम्बो बना रहा है भाई, ये बन हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं भाई अभी। अब देख सकते हो ये पूरी स्टॉल लगी है, ये ओकोनोमियाकी, ये गेम खेल रहे हैं क्या, ये तो गेम गेम खेल रहे हैं। तो टावर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, क्या ये पता नहीं गेम क्यों तो टावर भैया। अभी वही तो रोड है जो हम यहाँ से आ रहे थे, याद है जब तू बोल रहा था वो क्योटो टावर है। हाँ हाँ हाँ, जब इस साइड घूम रहे थे हम, इतना घूम कर आए बताओ। अरे वाह, हाँ ये अबे मामला तो उस तरफ है, हम तो ज़्यादा लगा ही है। लाइव नहीं था गाड़ी, हाँ पी का तो नहीं बना रहा है। अरे बियर में, बियर पी लेते हैं, जूस पी
लेते क्या बना रहा है? ये क्या बना रहा है? नींबू का जूस पिलाया तो सारी उतार दी। 300 रुपये का अच्छा जूस पीएंगे ना? अभी नींबू पीते हैं ना। अरे नींबू का पानी क्या करोगे आप, तू करा जाओ भैया। अब लोग खाली बैठी है, उसका पैसे भी नहीं है। आ जाओ उसी से मिलते हैं। ज़्यादा दिया भावना मत दिखाओ भैया, आ जाओ आप। कितने का मार के सोच सोचे भैया? अरे मैं दे दूंगा भैया। कोई नहीं जी, किसने दे दिया? चल फिर तू दे दे। कोरे ना कोरे दे रहे भाई, ये क्या है? नहीं मैं ये लो, एक गुड़ डाली है। कोई नहीं, सारी तो बर्फ बर्फ है। कोई नहीं, अरे तो भाई ये इसकी स्टॉल थी, कोई था नहीं, मतलब पी लेते नींबू का। ये है जैसे, अरे तो जहमास आ जा भाई, ये लेमिनेट लिया है। मेरा वाला कहाँ चला गया भाई? ये पी पहले, मिला ले भाई। ये पता नहीं क्या दिया इन्होंने, पानी पानी दिया है, थोड़ा सा नींबू का टेस्ट डालकर। अच्छा अभी तो वैसे नींबू का पानी पिला देता। 300 yen में ठीक तो है, 100 रुपये का मिल जाता है ये भाई। मगर अंडर लोशन में से असली है ये, क्या पता उसने वही मिला के तो नहीं दे दिया। क्या दे दिया? वही मिला के तो नहीं दे दिया जो मैं पी रहा था। 100 yen वाला होता सही लग रही है। तो मैं आपको पहले ही कह रहा था। ओके भैया, 16% बैटरी रह गई है। सो हम आ गए मेले से, और मेला तो क्या था, बढ़िया था। हाँ जापान का। और अब भाई मैं बनाऊंगा छोले, भाई बनाएगा पूरी। और अभी धो रहा है बर्तन, मैंने काट दिए देखो प्याज, क्या बढ़िया काटे हैं छोटे छोटे से। और यू आटा गूंदाऊँ ना? नहीं गूंदूँगा भी। अच्छा गूंदेगा तो टाइम लगे, चल कोई नहीं। और ये यहाँ पे अभी तो इसने गंदा कर रखा है घर, अभी साफ कर देगा ये अपना। ओह ये तो चार्ज है बढ़िया, ये तो 100% चार्ज है। 100% तो भाई इसका कमरा है, ये कितना किराया इसका? 35,000 ही है। 35,000 हाँ, तो अच्छा है, बढ़िया कमरा है। और पानी का बिल इंक्लूड, पानी का इंक्लूड है 35,000 में ना। और वाईफाई भी है, वाईफाई भी फ्री है। और ये इंटरलॉक सारे हैं, सब कुछ है इसमें। बाहर से फोटो दिखेगी कौन आया कौन नहीं आया। हाँ, फोटो भी दिखी है। और ये इसका अलमारी सी, और अलमारी अच्छी है पूरी बड़ी। हाँ अलमारी बड़ी है इसकी, बड़ी सी। और ना इसका ना ये बाहर भी है यार, यहाँ पे आग वाग लगा के बैठ जाओ यहाँ बढ़िया से, बारबेक्यू करना। बट घर मत जला दियो कहीं, पूरी बिल्डिंग जल गई। तो भाई ओवरऑल बढ़िया घर है इसका। और अब हम बनाएंगे पूरी और छोले बढ़िया से। भाई अभी ये थोड़ा गंदा सा हो रहा है, मगर ये दिखा दूँ, ये गैस है इसको। और ये देखो गैस कैसे होता है, इसको बस ऐसे छोड़ दो ये जल जाता है। दिखाऊँ आपको, ये देखो ये बंद हो गया, ये देखो बस गैस हो गया। इसमें प्याज दिख भी नहीं रहे कैसे, अंदर से ये अटक रहा है यहाँ पर।